हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.6.2 सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के प्रकार, जिसमें 3 टाइप्स के फ्रैक्शन आपके बुक में दिए गए हैं। तो फर्स्ट टाइप दिया गया है यूनिट फ्रैक्शन, सेकेंड टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम सभी जो है यूनिट फ्रैक्शन को देखते हैं। ए फ्रैक्शन विच हैज वन एज द न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर वन है या वन हो, उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एग्जांपल देखिए, आपको हम क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर क्या है, वन है, तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल 1/5, यहाँ भी न्यूमरेटर वन है, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, तो भी क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जिन भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या हो, वन हो, तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड है, सेकेंड टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड टाइप क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, स्मॉलर देन हो, छोटा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, फॉर एग्जाम्पल 2/3, आप यहाँ पे देखिए 2/3 में 2 क्या है, न्यूमरेटर है, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो आप बताइए, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन है कि नहीं है, है। ये हमारा 2 है और ये क्या है, 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल 3/7, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर क्या है, 3 है, और डिनोमिनेटर 7 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन है। ठीक है, 5/11, अब इसको बताइए, 5 यहाँ न्यूमरेटर है और 11 डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, लेस देन है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर देन होगा, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर है। इसके बाद लास्ट टाइप यहाँ दिया गया, थर्ड टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर बिगर देन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, या तो इक्वल हो, या तो उससे ग्रेटर देन हो, बिगर हो, उससे बड़ा हो, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/4, आप यहाँ देखिए न्यूमरेटर क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 4, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, या हम ऐसे कह सकते हैं, n फॉर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। तो जब इस एक कंडीशन बनेगी, तो ऑलवेज क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम आपको देते हैं 11/5, यहाँ भी देखिए न्यूमरेटर 11 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। थर्ड एग्जाम्पल देते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देते हैं 7, अगर आपको मल्ली नंबर दे दिया जाए, तब आपको बताना है कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन होगा। तो आपके माइंड में होगा, ये तो नंबर है, ये फ्रैक्शन में ही नहीं है, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी। तो जब भी देखिए नंबर दिया हो, तो ऑलवेज नंबर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कैसे, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 7/1, 7 को 7/1 कर सकते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो 7 यहाँ पर न्यूमरेटर है और 1 क्या है, डिनोमिनेटर है। क्लियर है, तो ये क्लियर हो गया। आपको बताना है, अगर हमने दे दिया 15, अब आप कमेंट करके बताइए 15 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन होगा, आप इसको कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन वेरी सिंपल दिए गए हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, टिक राइट द यूनिट फ्रैक्शन एंड क्रॉस द अदर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट, टिक राइट द यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन पे राइट का टिक कीजिए एंड और क्रॉस द अदर और दूसरों पे क्रॉस कीजिए। तब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वन अपॉन थ्री, तो यहाँ पे ऐसे जो है आपको क्या बनाया है, बॉक्स दिया गया है। अब इसी बॉक्स में आपको क्या करना है, राइट टिक करना है, क्रॉस करना है। जब हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा तो राइट का टिक करेंगे और जब हमारा अदर होगा, दूसरा होगा, तो हम उस पर क्रॉस कर देंगे। तो आप बताइए 1/3 यूनिट फ्रैक्शन है अदर, तो हमारा क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम राइट का टिक कर देंगे। ठीक है, अभी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे हमें दे दिया 2/3। अब यहाँ पे बताना है, अब आप सोचिए बताइए, हमारा फर्स्ट है और सेकंड, मतलब ए है और बी है। अब यहाँ पे बताइए कौन सा क्या करेंगे, 2/3 जो है यूनिट फ्रैक्शन है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 1 नहीं है। जब न्यूमरेटर 1 नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, अदर में होगा, तो अदर में हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब बताइए सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर ले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है टिक राइट द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड क्रॉस द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पे राइट का टिक कीजिए और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्रॉस का टिक कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम आपको एग्जाम्पल देके बता देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं। हमारा फर्स्ट 2 का फर्स्ट दिया 1/3, बी दिया है 4/3, सी दिया है 2/5, ठीक है, 3 करवा देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे जो है बॉक्स दिया, इसमें हमें क्या करना है, टिक करना है। आपको बताया गया प्रॉपर फ्रैक्शन पे क्या करना है, राइट का टिक करना है और इम्प्रॉपर पे क्रॉस करना है। अब आप बताइए 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन स्मॉलर देन है, तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पे हम क्या कर देंगे, राइट का टिक कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया है 4/3, 4/3 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। और कैसे क्लियर हुआ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, 2/5 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट का टिक कर देंगे। ऐसे आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप सभी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए।